और देश के सबसे लंबे 1382 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज सोहना से दौसा तक 210 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हरियाणा के गुड़गांव सोहना होते हुए हाइवा अलवर की सीमा से गुजरेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा से इसका लोकार्पण करने वाले हैं, जिसके बाद दिल्ली से अलवर, जयपुर और दौसा का सफर बेहद आसान और कम समय में पूरा हो सकेगा। शानदार, भव्य और दिलकश सफर होगा, सुहाना देखेगा जमाना। 2 घंटे में जयपुर, 12 घंटे में मुंबई। तरक्की का वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, भारत के विकास पथ पर तरक्की की रफ्तार, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ये है न्यू इंडिया। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए, ये चमचमाती सड़कें किसी विदेश की नहीं है, ये नए भारत की नई तस्वीर है। आपने दिन की तस्वीरें देखी, अब रात की भी देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर चमकते एक्सप्रेसवे का वीडियो पोस्ट किया है। नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, जिससे न सिर्फ सफर आसान होने वाला है बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर भी साबित होगा। इसकी कुल लंबाई 1390 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का पहला खंड 246 किलोमीटर लंबा है, जो सोहना से राजस्थान के दौसा तक बनकर तैयार है। पीएम मोदी आज इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट के बीच के इस खंड से दिल्ली से जयपुर की यात्रा आसान हो जाएगी, यानी जिस जयपुर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते थे, उसे महज 2 घंटे में तय किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसको इकोनॉमी को लेकर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। भारत में 6 राज्यों को ये जोड़ रहा है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। कुल लगभग 1400 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे, आप एक सोच लीजिए अब इसको कितना बड़ा गेम चेंज कर देगा इकोनॉमी से जुड़ी हुई। क्या कुछ खास है इसको समझेंगे और इस पूरे एक्सप्रेसवे पर अब भारत को क्या नया मिलने वाला है उस चीज को समझेंगे। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। सड़क की लंबाई 1424 किलोमीटर से घटकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी। 8 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे देश का पहला एनिमल पास और स्ट्रेचल हाईवे है, जहां जरूरत पड़ने पर इसे 12 लेन में किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां हवा में बात करेंगी। इसे जर्मन तकनीक से बनाया गया है और अगले 50 साल तक कोई टूट फूट नहीं होगी। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर फ्यूल की खपत में 32 करोड़ लीटर की कमी आएगी। देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे भी इस एक्सप्रेसवे पर बन रहा है। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ करीब 1.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। पूरे स्ट्रेच पर CCTV सर्विलांस है, जिसके जरिए ट्रैफिक और हादसों पर नजर रखी जाएगी। बड़ी बात यह है कि एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड बनाने की भी योजना है, ताकि हादसे होने पर घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जा सके। हर 100 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जबकि हर 50 किलोमीटर पर रेस्टोरेंट और दूसरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस तरह दिल्ली से मुंबई तक पूरे 93 जगहों पर स्टॉपेज की सुविधा होगी। हमें हर 50 किलोमीटर में कुछ इस तरह के, देखिए, जो रेस्ट जो सर्विसेज होती हैं रेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी अगर रेस्टोरेंट की बात करूं उसके लिए, बहुत से ऐसे जो हॉल्ट होते हैं वो हर 50 किलोमीटर के आसपास बनाए गए हैं, चाहे वो इमरजेंसी से रिलेटेड हों या फिर किसी तरह की मदद अगर आपको चाहिए तो वो नजर आ जाएंगे। अभी तक एक्सप्रेसवे या किसी और हाईवे पर टोल गेट होते हैं, जहां यात्रियों को बार बार रुकना पड़ता है, लेकिन ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां टोल गेट नहीं लगे हैं। हाईवे पर चढ़ने और उतरने की जगह पर इंटरचेंज टोल लगाए गए हैं। हर 50 किलोमीटर पर एंट्री और एग्जिट के लिए गेट बनाए गए हैं, जहां टोल ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा, ये एक्सप्रेसवे नए भारत की तरक्की की तस्वीर पेश करेगा।
वरुण भसीन, जी मीडिया, जी न्यूज़।